लेकिन विजय, इस साल के अंत में चुनाव हैं और बीते 30 दिनों में हमने देखा है किस तरह धुआंधार दौरे पर हैं गुजरात के प्रधानमंत्री मोदी। 30 दिनों में उनका ये तीसरा गुजरात दौरा, क्या मायने हैं इसके? स्वाभाविक है कि वो गुजरात को बहुत महत्व दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके जाने के बाद भी गुजरात बीजेपी के हाथ से नहीं निकलना चाहिए। उल्टा जो लक्ष्य है वो 150 सीटों का अमित शाह की तरफ से दिया गया है, उस 150 सीटों के लक्ष्य को साधने की भी एक तरह से कोशिश है। अभी हम जो मेहसाणा वाला देख रहे हैं, पाटीदारों को भी समझाने की कोशिश है कि विधानसभा के अंदर गुजरात की सरकार ने बाकायदा ओबीसी के अंदर शामिल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था जो कि हाईकोर्ट में जाकर गिर गया। उसके बाद केंद्र सरकार ओबीसी का नया कमीशन आयोग बनाने जा रही है जिसके तहत अब संसद को अधिकार होगा कि किस जाति को ओबीसी में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। ऐसे में पाटीदारों को यह समझाने की कोशिश है कि गुजरात सरकार के हाथ से अब चीजें निकलकर संसद के हाथ में रखने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं और ऐसे में उनको अपना आंदोलन या अपनी नाराजगी को खत्म कर देना चाहिए। अपनी तरफ से एक राजनीतिक संकेत देने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और ऐसा ये आखिरी दौरा नहीं है। मुझे जैसा सूत्रों से पता लगा है कि अगले कुछ दिनों में एक और दौरा भी हो सकता है और उसके बाद शायद फिर चुनाव आयोग गुजरात में चुनाव की घोषणा करे। बिल्कुल, और उससे पहले कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यही कि कैसे भी करके गुजरात की जनता को लुभाया जाए, वोटरों को लुभाया जाए इससे पहले कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो। उससे पहले हम देख रहे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उद्घाटन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें मेडिकल कॉलेज की, जिसका कुछ देर पहले लोकार्पण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वडनगर में ये बेहद आधुनिक अस्पताल है जिसमें 650 बेड और ये 600 करोड़ की लागत से बना है। 150 छात्रों को हर साल इस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलेगा। पीएम बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। गुजरात चुनाव से पहले बीते 30 दिनों में ये तीसरा गुजरात दौरा पीएम मोदी का, 2 दिन के गुजरात दौरे पर, और ये उसका अंतिम दिन आज अपने पैतृक गांव वडनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो गुजर रहा था वडनगर से। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा भी होगी, देखना होगा क्या ऐलान करते हैं पीएम मोदी, क्या कुछ कहते हैं अपने भाषण में। ये तस्वीरें उस वक्त की जब पीएम मोदी का काफिला वडनगर पहुंचा था। पीएम मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, जबरदस्त उत्साह वडनगर के लोगों में, बेहद खूबसूरती से पूरे शहर को सजाया गया है और ये फूलों की बारिश प्रधानमंत्री मोदी पर होते हुए मोदी मोदी के नारे लगे। जहां जहां से पीएम मोदी का काफिला गुजरा हमने देखा लोगों में जोरदार उत्साह। और प्रधानमंत्री मोदी भी उतने ही उत्साह के साथ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोगों की तरफ हाथ हिलाते हुए, वेव करते हुए। इसके बाद अपने बचपन के स्कूल भी गए प्रधानमंत्री मोदी, जहां सुबह से ही उनका इंतजार हो रहा था। अपने पैतृक गांव वडनगर में हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम बनने के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं। यूं तो कई बार गुजरात गए पीएम बनने के बाद, लेकिन वडनगर पहली बार आ रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद। इससे पहले 2011 में एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, लेकिन तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। वडनगर की जनता बेसब्री से पीएम का इंतजार कर रही थी। पूरे शहर को बेहद खूबसूरती से सजाया गया। दिवाली से पहले ही दिवाली जैसा माहौल वडनगर में देखने को मिला। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होगा, लोगों को संबोधित करेंगे। इससे ठीक पहले उन्होंने एक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। 600 करोड़ रुपए की लागत से यह अस्पताल बना। 150 छात्रों को हर साल इसमें दाखिला मिलेगा। बेहद आधुनिक यह अस्पताल अपने पैतृक गांव के लिए पीएम मोदी की ये सौगात। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं और भीड़ कितनी उत्साहित है ये आवाज हम लगातार सुन पा रहे हैं। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और ये पीएम मोदी का सुरक्षा घेरा, जिसके लिए बीच बीच में हमने देखा कितना मुश्किल हो रहा था भीड़ को काबू में कर पाना।
विजय विद्रोही मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विश्लेषण कर रहे हैं पीएम मोदी के वडनगर दौरे का। विजय, थोड़ी ही देर में जनसभा है प्रधानमंत्री मोदी की, क्या लगता है क्या कुछ खास निकल कर आएगा उनके संबोधन में? देखिए, मुझे लगता है कि जनसभाओं में जो पिछले दिनों भी जो जनसभाएं हुई हैं, जिस ढंग की वो बात करते रहे हैं, वो उसी ढंग की उस सिलसिले को ही आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। विकास की भी बात होगी। कांग्रेस ने जो विकास को लेकर एक तरह से घेराबंदी करने की कोशिश की है, उसका जवाब देने की भी कोशिश होगी। अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी बताने की भी कोशिश करेंगे कि गुजरात की जनता के लिए, गुजरात के लोगों के लिए, राज्य में रहते हुए और केंद्र में रहते हुए वो क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या वो आगे करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी का लक्ष्य कुल मिलाकर यही लगता है कि 150 सीटें तो अपनी तरफ से कहा गया है, लेकिन अब तक बीजेपी का नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सबसे अच्छा जो रहा है वो 127 सीटों का और 49% वोट का है। अगर उस चीज़ को अगर वो तोड़ पाएंगे तो वो उनके लिए, मुझे लगता है, इन चुनाव में बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और उससे नीचे अगर कुछ भी आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सवाल उठने ज़रूर शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, और ये तस्वीरें अपने दर्शकों को बताते हैं उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री मोदी प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे थे पूजा अर्चना के लिए, दर्शन के लिए। उनके साथ मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उनके ठीक बगल में बैठे हुए और पीछे आनंदीबेन पटेल भी खड़ी हुई। मंदिर के भीतर की तस्वीरें। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन के लिए। और ये पूजा जब संपन्न हुई उस वक्त की तस्वीर आप देख सकते हैं। अपने गांव वडनगर में है प्रधानमंत्री मोदी और ये प्राचीन शिव मंदिर जिसके दर्शन के लिए पीएम मोदी पहुंचे थे। विजय विद्रोही मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय, 20 साल से ज्यादा वक्त हो गया है बीजेपी सत्ता में है गुजरात में, लेकिन ये पहला मौका है जब पीएम मोदी की अगुवाई में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है बीजेपी। अब गुजरात से दूर हैं पीएम मोदी, क्या क्या चुनौतियां हैं सामने पार्टी के? देखिए, गुजरात से इतने भी दूर नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों अपनी तरफ से गुजरात पर पूरी पकड़ रखे हुए थे। और ये तीन तस्वीरें अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने गांव वडनगर में हैं आज, और ये तीन तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। और ये जो तस्वीर है आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की बहन की है। पीएम मोदी आज अपने गांव पहुंचे हैं वडनगर में जहां उनका जन्म हुआ, और ये तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की बहन। बसंती देवी नरेंद्र मोदी की बहन है। बसंती बेन पीएम मोदी की बहन, जिनको आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी अपने गांव वडनगर पहुंचे हैं, उनका पैतृक गांव। ये प्रसंग तो अवतार बता जग जाहिर छ पर आज जे आवा छ एने भी बहु जाय न छ खा सो भगवान पास हमने शक्ति आले काम करवा जेउ काम करो जेवे करता। चलिए, पीएम मोदी की बहन बसंती बेन को आपने सुना, और लगता ऐसा है कि वो खुशी जाहिर कर रही थी पीएम मोदी के वडनगर आने पर। गुजराती में बातचीत कर रही थी बसंती बेन, प्रधानमंत्री मोदी की बहन है, और आज पीएम मोदी अपने गांव वडनगर में पहुंचे। और उनकी बहन ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शक्ति आला काम करवाना जो काम करो सेवा करता। चलिए, गुजराती में अपने भाई नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ करते हुए उनकी बहन को आपने सुना। बसंती बेन पीएम मोदी की बहन है, और उनका ये कहना कि पीएम मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये
पीएम मोदी की बहन बसंती बेन को आपने सुना, जिन्होंने तारीफ की अपने भाई नरेंद्र मोदी के काम की। आज अपने गांव वडनगर में है प्रधानमंत्री मोदी। पीएम बनने के बाद पहली बार वो वडनगर पहुंचे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनकी बहन बसंती बेन और दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उस वक्त की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब उन्होंने प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन किए। और वडनगर को भी पीएम मोदी के आने का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि जब से पीएम मोदी दिल्ली गए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ये पहला मौका है कि वो वडनगर आए हैं। गुजरात तो कई बार आए, लेकिन वडनगर पीएम बनने के बाद पहली बार आए। और ये बसंती बेन को आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जिनका ये कहना कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी का रोड शो, दूसरी तस्वीर उनके स्कूल की, प्रधानमंत्री मोदी का बचपन का स्कूल, जहां वो पहुंचे। स्कूल पहुंचकर उन्होंने माथा टेका, स्कूल की जमीन से उन्होंने टीका लगाया। तीसरी तस्वीर प्राचीन शिव मंदिर की है, जहां पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की, दर्शन किए। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं अस्पताल के लोकार्पण की, 600 करोड़ में बने अस्पताल का आज लोकार्पण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चार अलग अलग तस्वीरें पीएम मोदी का पैतृक गांव वडनगर, जहां वो पीएम बनने के बाद पहली बार पहुंचे। पीएम मोदी के रोड शो की तस्वीर आप देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर उनके बचपन के स्कूल की, जहां उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की। और ये देखिए किस तरह धूल से उन्होंने अपने माथे पर टीका लगाया, अपने स्कूल की धूल से माथे पर टीका लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी माथा भी टेका जमीन पर। उसके बाद शिव मंदिर गए, जहां उन्होंने पूजा की। और ये तस्वीर GMERS मेडिकल कॉलेज की है, जिसका आज लोकार्पण हुआ है पीएम मोदी के हाथों। बेहद आधुनिक ये अस्पताल है, 650 इसमें बेड और 600 करोड़ की लागत से बना है। हर साल 150 मेडिकल स्टूडेंट्स को इसमें दाखिला मिलेगा। और अस्पताल का लोकार्पण करने के बाद कुछ पल पीएम मोदी ने मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ भी बिताए, ऑडिटोरियम में गए और शुभकामनाएं दी मेडिकल स्टूडेंट्स को। और ये उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है और आज अपने पैतृक गांव वडनगर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और इस मौके पर उन्होंने वडनगर के लोगों को दी है ये 600 करोड़ के अस्पताल की सौगात। बेहद आधुनिक ये अस्पताल, जिसका दौरा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज इंटेंसिफाई इंद्रधनुष मिशन को भी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन है और इस मौके पर अपने पैतृक गांव वडनगर पहुंचे हैं। और ये देखिए मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में पहुंचे पीएम मोदी। मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच कुछ हंसी मजाक करते हुए। ये है ABP News, आपको रखे आगे।